प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो रही है। इसी कड़ी में असम के एक सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल, उनका ये बयान सामने आया है कि 20 से लेकर 26 तक जो देश के मुसलमान हैं वो अपने घरों में रहें। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों, जब राम को उनके मूल स्थान पर विराजित किया जा रहा हो या वो समय पास आ गया हो तो उसको लेकर टिप्पणी की जा रही है। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और ये अयोध्या का भक्ति पथ है। देखा जाए तो इस वक्त अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर लोगों का क्या रिएक्शन है और लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ? शिव किशोर तिवारी। कहाँ से हैं आप? गोंडा जिला के रहने। अच्छा, गोंडा के। ये बताइए कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, देखा जा रहा है कि जो नेताओं की बयानबाजी है वो भी तेज हो रही है। अभी एक सांसद हैं बदरुद्दीन असम के रहने वाले, उन्होंने कहा कि 20 से लेकर 26 तक देश का जो माहौल है वो खराब रहने वाला है, लोगों को भड़काया जा रहा है, तो वैसे में देश के मुसलमानों को घर के अंदर रहना चाहिए, ऐसा उनका ये कहना है? हाँ, घर के अंदर रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भड़काया जा रहा है, सब कुछ सही ठीक ठाक रहेगा। कोई इशू नहीं है? जी हाँ, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, कोई बवाल नहीं होगा। तो मतलब क्या लगता है आप लोगों को, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? अरे वो पॉलिटिक्स है, आदमी चाहे जो बोल देता है, पॉलिटिक्स है चाहे जो बोल देते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है और सब उनके कृपा से सब बढ़िया ही होगा। जो है उनको कुछ मौका तो है नहीं कहने के लिए, तो यही कह रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कितना आपको हर चीज़ दिखा होगा, आज के साल के पहले देखे होंगे जब ये आपका आया हुआ है, आदेश आया हुआ है कि राम मंदिर यहीं पे बनेगा, तब से और अब हमें कितने बदलाव देखे होंगे, और पहले लोग क्या बोलते थे उसको क्या जान सकते थे हम, अब में और पहले में बहुत अंतर हो गया है। लगता है कि किसी एक खास समुदाय को लुभाने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए? नहीं नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में हैं हम, और तो हमको क्या, हम पाकिस्तान का सपना देखें, किसका देखेंगे आप? आप हिंदुस्तान में हैं ना, तो हिंदुस्तान में हैं तो आपकी आस्था किस पे होनी चाहिए, भगवान राम पे होनी चाहिए या फिर आपको मस्जिद और उन पे होना, अकबर पे होना चाहिए? ऐसा तो नहीं मोदी जी बोल रहे हैं कि आप मुसलमान को हम नहीं करेंगे और फिर हम ईसाई को नहीं करेंगे और हिंदुओं को करेंगे, ऐसा तो नहीं किए हैं, वो तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और सबका विश्वास भी लिए हुए हैं। अब अदर पार्टी क्या कर रही है उनका, अभी बिहार में देखे हैं तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं, अब उनके भाषाओं में जैसे लगता है उनकी राजनीति खत्म हो गई है, अब वहाँ से अपना दंड पे आप लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं एक सवाल और पूछूंगा, आप कहाँ से हैं दादा? कानपुर से बोले। कानपुर से आप हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, देखा जा रहा है कि जो नेताओं की बयानबाजी है वो तेज हो गई है। अभी बदरुद्दीन अजमल एक नेता हैं, असम के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 20 से लेकर 26 तक माहौल खराब रहेगा, इसलिए देश के मुसलमान अपने घरों में रहें। बदरुद्दीन अजमल हैं, सांसद हैं असम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए यहाँ राजनीति कोई मसले नहीं, ये तो यहाँ पे भगवान का दरबार है, भगवान का काम हो रहा है, 500 साल से जो नहीं हुआ था वो बढ़िया बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई मतलब है राजनीति का नहीं है। आपको लगता है कि जो लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं वो किसी खास वोट बैंक को प्रभावित करना चाहते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं प्रभावित, अब वो तो मुसलमानों के पिट्ठू हैं, अब क्या कहा जाए, ये है कोई, अब देखिए यहाँ पे ना हिंदू ना मुसलमान, यहाँ तो राम राज्य की स्थापना हो रही है। आज दो मुस्लिम बहनें भी आई थी यहाँ पर बनारस से, वो ज्योति लेने के लिए, तो मतलब जहाँ एक तरफ सब कुछ ठीक होने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ अगर ऐसे लोग भड़काएंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब होगा? नहीं, माहौल देखिए ये हमेशा खराब करते हैं, 70 साल से बर्बाद किया यहाँ सबको, और हिंदुओं के प्रति नफरत इनके अंदर भरी पड़ी है, ये अपना काम कर रहे हैं, इनको कर दे दीजिए, बाकी हम लोग तो राम राज्य की ओर चल रहे हैं, बस ठीक है, और क्या बताएं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, क्या नाम है आप? धर्मवीर बालियान। धर्मवीर जी, आप दर्शन संभवतः करने आए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, जो बयानबाजी है नेताओं की वो तेज होती जा रही है। पहले आमंत्रण को लेकर सियासत हुई, अब बदरुद्दीन अजमल का बयान सामने आया है कि देश के मुसलमान 20 से लेकर 26 तक घरों में रहें। जब ऐसे बयान आप लोग सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन तो जो योगी जी कर रहे हैं मेरे हिसाब से सारे ठीक ही कर रहे हैं, और उनको अब समझ जाना चाहिए कि समय बदल चुका है। एक समय था गुंडा राज था, लेकिन अब योगी राज है और भगवान राम अपना विराजमान होने जा रहे हैं। सही माने में अगर मैं भाईचारे का नारा देते हैं तो भाईचारा ही है, वे सहयोग करें, अन्यथा ऐसे बयानों से लगता है भाईचारा ना था ना होगा, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर।
जिम्मेदार पद पर बैठा आदमी, कोई सांसद हो पार्लियामेंट में, अगर वो ऐसा बयान देता है तो आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती है, जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि वे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं और उनका बयान एक शब्द कहने का भी अर्थ है, वो जनता में अपने आप में मायने रखता है, उन्हें सोच के समझ कर अपना बयान देना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को पद से भी हटा देना चाहिए और बर्खास्त करके आगे से इनको चुनाव पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये लोगों की राय है और लोग खुलकर इस पर अपनी राय रख रहे हैं कि जो लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे माहौल ख़राब होता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आमंत्रण को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आए, कुछ लोगों ने आने की बात कही है अयोध्या, कुछ लोगों ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन अब एक बार फिर से देखा जा रहा है कि लगातार जो बयानबाजी है वो तेज़ होती जा रही है। आप कहाँ से हैं? सर मैं जो है इलाहाबाद से हूँ, मेरा यहाँ जो पैतृक स्थान है अयोध्या है। अच्छा, यहीं के रहने वाले? जी 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 जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर भान है। कुंवर जी जी। कुंवर जी ये बताइए कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा चूंकि कार्यक्रम होना है 22 तारीख को और दुनिया की नज़र टिकी है अयोध्या पर, लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, भड़काने का काम किया जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? देखिए ये जो बयानबाजी या जो भी भड़काने का काम कर रहे हैं ये सब टोटल जो है विपक्ष के दल पे कर रहे हैं और इसका कोई भी हमारे जो है धार्मिक और जो है आर्थिक स्थिति पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है। ये केवल एक जो है उकसाने का मुद्दा है, पर योगी राज और मोदी राज है जो हमेशा से 500 वर्ष बाद आज राम मंदिर लाल लला को यहाँ पे स्थापित कर रहा है, कुछ नहीं होना, ये एक वो है समझ लीजिए एक तरह का निस्वार्थ मतलब बेकार की बातें हैं। इस पर ध्यान न दे के हम यही पब्लिक से कहेंगे और अपने यही धर्मास्थलिक जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि आप जो है अपना काम करिए, बाकी जो दूसरे करें उनको करने दीजिए। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है जी बयानों से? देखिए जो हमारे विपक्षी नेता हैं वो तो चाहते ही हैं, जो मुस्लिम का मुद्दा आप कह रहे हैं, मुस्लिम तो सदैव मतलब विपक्ष में ही रहे हैं और अयोध्या का जो इतिहास रहा हुआ है बाबरी मस्जिद से लेके आज तक का वो तो मुस्लिम का ही मेन रोल रहा है। तो मुस्लिम शब्द लेके अगर हम इसको कहीं भी सोशल साइट पर या मीडिया पर या कहीं भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है भड़काऊ बयान हो जाएगा, कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान होगा। और देखिए जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुझे लगता है कि कई राज्यों के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, संभवतः कुछ राजस्थान से भी लोग पहुँचे हैं। भाई साहब राजस्थान से हैं आप? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह भाटी है, मैं बीकानेर जिले से हूँ, राजस्थान। बीकानेर से हैं तो दर्शन के लिए आए हैं? इससे पहले आप आए थे अयोध्या? पहली बार आया हूँ मैं राजस्थान बीकानेर में, मेरा गाँव है मोरकणा, वहाँ से साइकिल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। पता है कि 22 तारीख को भगवान राम एक बार फिर से विराजित होने वाले हैं अपने मंदिर में, थोड़ा सा आगे आ जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है जो नेताओं की बयानबाजी है वो तेज हो रही है। अभी एक असम के सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने कहा है कि 20 से लेकर 26 तारीख तक देश के जो मुसलमान हैं वो अपने घरों में रहें तभी वो सुरक्षित रहेंगे। आपको लगता है कि ऐसे बयान ठीक हैं या फिर असुरक्षा का भाव है देश में? देखो उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए ये बताइए कि यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत खुशी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये राजस्थान के कुछ लोग हैं और साथ में अगर यहाँ की बात करें भक्ति पथ जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, आप भी वहीं से हैं? अच्छा अच्छा, आप भिलवाड़ा से हैं। हम आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी हो रही है, कोई इसमें आने की बात कर रहा है, कोई इसका विरोध कर रहा है, कोई बोल रहा है कि 20 से लेकर 26 तारीख तक लोग सुरक्षित नहीं, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग। आपको लगता है कि मतलब ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सुरक्षित है, हिंदुओं से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। मंदिर बन रहा है तो हिंदुओं में उत्साह रहेगा, उनमें भी उत्साह होना चाहिए क्योंकि उनसे इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि एक समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल भड़काने की कोशिश जा रही है, बिल्कुल समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही। और ये क्या है कि मतलब बीजेपी पार्टी के सब अपोजिशन वाले एक होकर यही चाह रहे हैं कि बस इनका वो मंदिर का मुद्दा उसको ऐसे बना के मतलब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है, मैं भी भिलवाड़ा से रहने वाला हूँ। सभी भिलवाड़ा से, आप इस मुद्दे पर क्या? मेरा सोच तो यही भाई, मंदिर बन रहा है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम भी आज 900 किलोमीटर से दूर चले गए अयोध्या धाम के दर्शन करने आए थे और बहुत अच्छा लगा, यहाँ हनुमान गढ़ी के दर्शन किए, राम जी के रामलला के दर्शन किए और बहुत उत्साह की बात है कि 500 सालों से मंदिर बन रहा है, आज हम पहली पीढ़ी हमारी दर्शन करने यहाँ आए हम और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब कोई टिप्पणी करता है या कोई बोलता है कि इससे माहौल एक असुरक्षा का भाव बना है तो जब ऐसी बातें आप लोग सोचते हैं तो मन में क्या भाव आता है? नहीं, मन में एक ही भाव आता है कि भगवान के प्रति सब हमें अच्छा रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब एक है, बाकी भगवान का रामलला का मंदिर जहाँ उनकी जन्मभूमि है उनका मंदिर बनना ही हो निश्चित है, वो तो बनना हो चाहिए, पहले ही बनना चाहिए था लेकिन अब बन रहा है, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं बन रहे हैं
फिर बाकी वो व्यक्तिगत सोच रखते हैं नेता लोग, बाकी बहुत अच्छा है, मतलब बन रहा है, हम खुद देखने आए थे, सात लोग सब देखने आए थे। ऐसा सर, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति हो रही है, खासतौर पे यहाँ आए लोगों की बात करें तो उन्हें ये कतई पसंद नहीं है कि जब 500 सालों के बाद भगवान राम अपने घर में विराजित होने जा रहे हैं उस पर राजनीति हो। हालांकि देखा जाए तो पहले आमंत्रण को लेकर तमाम नेताओं ने इस पर राजनीति करने की कोशिश की और अब बद्रुद्दीन अजमल। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आती जाएगी इस पर सियासत भी और ज़्यादा तेज होने वाली है।